वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा स्वस्थ में और अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही यूजफुल टिप्स लेके आई हूँ फ्रेंड्स, जो आप सभी के बहुत ज्यादा काम आने वाली है। कई बार ऐसा होता है कि किचन में हम बहुत ज्यादा साफ सफाई कर देते हैं, बट ये जो टाइल्स होते हैं हमारे, जब भी हम खाना वगैरह बनाते हैं तो इसके जो ये तेल वेल के दाग होते हैं, ये ऐसे लग जाते हैं कि वो छूटने का नाम ही लेते हैं। और धीरे धीरे जो टाइल्स हमारी है एकदम काली सी होने लगती है, एकदम चेकर टाइप की हो जाती है। आप देख सकते हैं कि कितनी काली और गंदी सी ये टाइल्स ऊपर से हो गई है, क्योंकि नीचे तो साफ सफाई कर लेते हैं हम लोग, बट जो ये ऊपर का हिस्सा होता है टाइल्स का, तो ये हम अच्छे से साफ नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोग हैं जो हार्पिक से टाइल्स साफ करना नहीं चाहते हैं, तो वो सोचते हैं कि बिना हार्पिक के ही टाइल्स हमारा किचन का क्लीन हो जाए। तो आज मैं वही आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो भी हमारे किचन में यूजफुल चीजें होती हैं, डेली सबके घर में होती हैं, बस उन्हीं चीजों से ही आज मैं आपको टाइल्स साफ करके दिखाऊंगी। हमें बाहर से कोई भी चीज लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए फिर क्या चीजें यूज होंगी इस टाइल्स को साफ करने के लिए, अभी मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिया है इसमें एक चम्मच वॉशिंग पाउडर। तो मैंने इसमें एक चम्मच वॉशिंग पाउडर डाल दिया है, और ये मैंने लिया है करीब आधी चम्मच खाने वाला सोडा, और एक चम्मच मैंने इसमें लिया है नमक। ये व्हाइट वाला विनेगर है, एक चम्मच मैं ये विनेगर डाल रही हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, एक चम्मच हमको इसमें लेना है नींबू का रस। तो ये हम एक चम्मच इसमें नींबू का रस निकाल लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम सारी चीजों को अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। आप देख सकते हैं कि इसमें कितना झाग हो गया है, ये देखिए। तो सारी चीजों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और अब हम ले लेंगे एक स्क्रबर और उसमें ऐसे ये डाल देंगे, और जो टाइल्स हैं हमारे काले, उन पे हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ले लिया है, और जितना भी ये काला काला हमारा टाइल्स हो रहा है, उस पर मैं बहुत अच्छी तरह से इसको घिस दूंगी। हमें इसको खूब अच्छी तरह से घिस देना है, ये देखिए इस तरह से। जितना भी कालापन है सब इससे दूर हो जाएगा और टाइल्स हमारा पहले की तरह चमकने लग जाएगा। लेकिन इसको घिसने के बाद थोड़ी देर के लिए हमें छोड़ देना होगा। देखते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए जो दाग धब्बे लगे हुए हैं, और ये कितना स्क्रबर काला हो चुका है, और ये जो दाग है ये भी मैं इसी से ही साफ कर लूंगी। और इसको लगा के बस मैं इसको कुछ देर के लिए छोड़ दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया था, और अब मैंने एक ही ले लिया है कपड़ा, और उसको अच्छी तरह से मैंने गीला कर लिया है, और इसी से मैं इसको साफ कर दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना काला काला टाइल्स हमारा जो था, कितना इस कपड़े में आ गया है। आप देख सकते हैं कि साफ लगने वाला टाइल्स भी कितना काला था। फ्रेंड्स, टाइल्स तो हमने साफ कर लिया है, बट उसकी शाइनिंग के लिए हमें एक काम और करना है। तो मैंने ये लिया है क्लिनिक प्लस शैम्पू, ये देखिए, और इसको मैं थोड़ा सा इस पर डाल लूँगी, और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें विनेगर भी ऐड करूँगी, क्योंकि विनेगर से टाइल्स की चमक बहुत ही बढ़िया वापस आ जाती है और एकदम शाइन करने लग जाता है। तो बस अब मैं इन दोनों चीज़ों को पूरे टाइल्स पे अच्छी तरह से लगा दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें लगा देना है। आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया तरीके से टाइल्स भी हमारी साफ हो गई है, और उसमें शाइनिंग भी आ गई है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया झाग हो गया है, और झाग के साथ साथ ही इसमें एक अलग सी शाइनिंग आती जा रही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अच्छी तरह से शैम्पू और विनेगर पूरे में लगा दिया है, और बस इसको मैं गीले कपड़े से अभी साफ कर लूंगी।
ये देखिए तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कितनी अच्छी तरह से हमारा पूरा टाइल्स किचन का चमकदार हो गया है। ये देखिए कितनी शाइन करने लगा है। अगर आपको फ्रेंड्स मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह मैं नए नए टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी और आप भी मेरे को सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी अच्छे से टिप्स के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।